हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल SMII पे। आइए इस वीडियो में बात कर लेते हैं अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड के स्टॉक की, जिसमें आज पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक 89.80 रुपीज़ पे आपको ट्रेड करता दिख जाएगा एट 3:24 PM। तो आइए जान लेते हैं इस स्टॉक में क्या ट्रेंड चल रहे हैं। इसमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी निकल कर आ रही है, वो भी जान लेते हैं। देख लेते हैं कि आने वाले टाइम में क्या ट्रेंड्स इस स्टॉक में रह सकते हैं। तो सबसे पहले, नए आए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर दें। सो आइए सबसे पहले अशोका बिल्डकॉन के स्टॉक की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। पहले लास्ट 5 डेज का डाटा देखें, बहुत ही ब्यूलिश मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 12.59% की रैली इसके चार्ट में दिख रही है, लेकिन 90 का लेवल बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है। और इस स्टॉक में आजकल जरूर कंसोलिडेशन देखने को मिली है फ्रॉम द लास्ट 2-3 डेज, लेकिन ओवरऑल लास्ट 5 डे का पैटर्न बहुत ही शानदार है। लास्ट 1 मंथ का डाटा देखो, यहाँ पे देखो कितना शानदार ट्रेंड इसके चार्ट में दिख रहा है। ये स्टॉक कंटिन्यू रैली ही करता जा रहा है। इसकी जो चार्ट की मीडियन लाइन है वो ग्रो कर रही है, बहुत ही शानदार मोमेंटम देखने को मिला है। लास्ट 1 मंथ में 13.23% की रैली जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिली है, इसने 80 के राउंड अप दोबारा सपोर्ट बना के बहुत ही अच्छा ट्रेंड रिवर्सल शो कर दिया है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो 1 मंथ में 13% के रिटर्न्स है, 6 मंथ का डाटा देखोगे और बढ़िया रिटर्न्स है, 23% के बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। और जबकि लास्ट 1 ईयर में इस स्टॉक में 9% की गिरावट ही देखने को मिली है, और 5 ईयर्स में भी गिरावट ही देखने को मिली हुई है। तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक में जरूर नेगेटिव ट्रेंड है, लेकिन आजकल इस स्टॉक में अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। यदि इसके सितंबर 22 के नंबर्स देखे, रेवेन्यू में जरूर पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला था, 42% की ग्रोथ है, लेकिन मार्जिन क्लियरली अंडर प्रेशर है, 44% की गिरावट शो कर रहे हैं, जिसके कारण नेट इनकम और EPS में भी गिरावट ही देखने को मिली हुई है। तो सेल्स वॉल्यूम इंप्रूव होने के बाद भी इस स्टॉक में जो है नेट इनकम में गिरावट है, प्रॉफिट में गिरावट है, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिल रहा है और कंपनी के नंबर्स आपको जो है वो रिड्यूस होते दिख जाएंगे। इसकी वैल्यूएशन देखो, पीई रेशो बहुत ही सही चल रही है। पीई रेशो देखे तो 3.09 की है, जबकि मार्केट कैप इस कंपनी का 2,520 करोड़ का है। तो कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और इसकी वैल्यूएशन आजकल बहुत ही सही चल रही हैं, क्योंकि आप देख सकते हो 5 ईयर्स में भी और 1 ईयर में भी इस स्टॉक में बड़ी गिरावट ही चल रही है। तो आजकल इस स्टॉक में बड़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी चल रही हैं, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। पहले इसकी एनुअल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 18 से लेकर 22 तक का अर्निंग का ग्रोथ पैटर्न आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे देखो, इसकी अर्निंग जो है रेवेन्यू की ग्रोथ शो कर रही है, जबकि इसकी नेट इनकम में भी ग्रोथ ही देखने को मिली हुई है। तो क्लियरली लॉन्ग टर्म की ग्रोथ आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि कंपनी की अर्निंग्स ग्रो हो रही हैं, सेल्स वॉल्यूम भी ग्रो हो रही हैं, सिमिलरली क्वार्टरली बेसिस पे भी ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जरूर नंबर जो है थोड़ा फ्लैट ट्रेंड शो करते दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमने आपको पहले ही चार्ट में दिखाया है। तो दोस्तों, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है और डिफरेंट टाइप के जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है उनमें काम करती है, उनमें डील करती है। अब इस स्टॉक में बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि इन न्यूज़ का आने वाले टाइम में स्टॉक की प्राइस पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रह सकता है। दोस्तों, यहाँ पे देखो, इस कंपनी को एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिल गया है। दिस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी विंस ऑर्डर वर्थ ₹754.57 करोड़। तो कंपनी को 754 करोड़ का नया प्रोजेक्ट जो है वो मिल गया है। तो यहाँ पे देखो, इस कंपनी ने इन्फॉर्म किया हुआ है कि कंपनी को जो मध्य प्रदेश से एक प्रोजेक्ट मिला है, जो भी कंपनी काम करती है, बिजनेस करती है, उसके रिगार्डिंग दिस कंपनी विल सप्लाई, इंस्टॉल, टेस्ट एंड कमीशन ए न्यू 11 KV लाइन्स, LT लाइन्स, AB केबल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन एंड सपोर्टिंग वर्क सच एज DPs, TPs, क्रॉसिंग एक्स्ट्रा फॉर सेपरेशन ऑफ द 11 KV मिक्सर। जो भी है दोस्तों, ये टेक्निकल टर्म्स है, उसके डिटेल में हम आपको नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको मोटा मोटा ये जरूर याद कर लेना है कि कंपनी को एक नया ऑर्डर मिल गया है। एक और प्रोजेक्ट है
द कंपनी विल डू द सेम प्रोजेक्ट इन द सतना सर्कल ऑफ द जबलपुर एरिया। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। एक और प्रोजेक्ट मिला हुआ है, ये भी सेम लाइन में ही इस कंपनी को प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो सारा मिला के आप देख सकते हो 754 करोड़ बनता है, बहुत ही बड़ी अमाउंट बनती है एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए। ये एक ऑर्डर बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे ही कंपनी ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेगी तो कंपनी के नंबर्स ग्रो होंगे, क्योंकि कंपनी आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। एंड इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग हाईवे डिवेलपर्स इन इंडिया एंड कंपनी इज एन इंटीग्रेटेड EPS एंड BOT प्लेयर। इट हैज़ ए पोर्टफोलियो ऑफ वेरियस PPP प्रोजेक्ट्स विच इज द लार्जेस्ट इन नंबर बाई एंड प्राइवेट प्लेयर इन इंडिया। तो हमारे देश की एक लीडिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है, हाईवेज ब्रिजेज में भी कंपनी जो है डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स करती है, और पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी कंपनी का अच्छा बिजनेस है। तो दोस्तों ये स्टॉक आने वाले टाइम में बहुत ही शानदार रिटर्न्स देता दिखाई दे सकता है। इसकी ROECE परसेंटेज देखो 26% की चल रही है। ROE परसेंटेज इज आल्सो वन ऑफ द एक्सलेंट। मार्केट कैपिटलाइजेशन हम आपको बता चुके हैं 2,500 करोड़ का है। तो फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। कुछ टेम्परेरी कारणों के कारण इस स्टॉक में गिरावट हुई थी, लेकिन अब क्लियरली जैसे नए प्रोजेक्ट मिल रहे हैं तो ये कंपनी आपको जो है वो बहुत ही शानदार ट्रेंड शो करती दिखाई दे सकती है। आने वाले नेक्स्ट 1 से लेके 2 साल तक यदि आप इसको होल्ड कर सकते हो तो आपको 2x से लेके 3x तक भी रिटर्न्स मिलते दिखाई दे सकते हैं। तो अच्छा मौका है इस स्टॉक में सिप के थ्रू एवरेज करके निवेश करते रहें। थैंक्स अगेन, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर दें।